Welcome learners to my channel, myself Parminder Kaur और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यूज और वाइवा में हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो कंसेप्ट है उसके लिए डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या वाइवा के लिए जाते हो तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है इट रिक्वायर्स फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सोर्स नोड से दूसरी नोड्स तक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए इस एल्गोरिदम को यूज किया जाता है फॉर वेटेड ग्राफ, राइट? सो वंस अगेन आई रिपीट, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम रिक्वायर्स फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए सोर्स नोड टू ऑल अदर नोड्स इन ए वेटेड ग्राफ। सो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुट हो सकता है वो है विच एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सी एल्गोरिदम है जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बेस्ट मानी जाती है, तो क्या बताओगे आप कि जो डायक्स्ट्रा है वो एल्गोरिदम यूज होती है टू सॉल्व द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज यूज्ड फॉर बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये जो एल्गोरिदम है ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी यूज की जाती है और अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी। और इसकी जो इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है दैट ऑल एजेस मस्ट हैव नोन नेगेटिव वेट्स। जितने भी ग्राफ में एजेस हैं उनके जो वेट्स हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, राइट? सारे पॉजिटिव होने चाहिए। सो ऑल एजेस मस्ट हैव नोन नेगेटिव वेट्स। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या बनता है कि जो ग्राफ है इट मस्ट बी कनेक्टेड। ग्राफ जो है वो कनेक्टेड होना जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, डायक्स्ट्रा, राइट? कुछ इसको डिजक्स्ट्रा भी बोलते हैं, राइट? तो ये जो एल्गोरिदम है ये डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए यूज होती है। इसमें जो एजेस हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए उसके वेट्स, और ग्राफ जो है इट मस्ट बी कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट? ये पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताओगे? नंबर वन, नेगेटिव एच वेट। तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो एक कॉमन एल्गोरिदम है फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ वो प्रॉपर वर्क नहीं करती अगर एजेस जो हैं उसमें नेगेटिव वेट्स हो। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, इट डज नॉट वर्क इफ द ग्राफ हैज नेगेटिव एज वेट्स। और दूसरा, ब्लाइंड सर्च। जो डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम है ये ब्लाइंड सर्च कई बार परफॉर्म करती है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं जो आप बता सकते हो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, जैसे कि गूगल और एप्पल मैप्स हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को यूज करते हैं। सो मैपिंग सॉफ्टवेयर लाइक गूगल और एप्पल मैप्स मेक्स यूज ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स। दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रोड नेटवर्क्स। इनको रोड नेटवर्क्स के लिए भी यूज करा जाता है फॉर ऑपरेशंस ऑफ, कह लो आप जो नेटवर्क्स हैं उसके लिए, और लॉजिस्टिक रिसर्च के लिए इसको यूज किया जा सकता है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट।
तो आपको इसकी एप्लीकेशन समझ आ गई होंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।